ब्लेफेरोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें मरीज के पफी आई को ट्रीट किया जाता है। बहुत लोगों में आंखें फूली और लटकी सी देखी जाती है। ऐसा ज्यादातर जेनेटिकल कॉजेज की वजह से होता है, यानी ऐसे लोगों की ऊपर और नीचे वाली आईलिड्स के नीचे फैट जमा हो जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की आंखें फूली और लटकी हुई सी लगती है। इसके अलावा उम्र के साथ स्किन के लूज होने की वजह से भी आंखों की ऊपर और नीचे वाली आईलिड्स लटक सी जाती है और देखने से ऐसा महसूस होता है कि आंखों के नीचे कोई बैग्स मौजूद है। इन फूली हुई आंखों की वजह से एक तो चेहरे की लुक खराब हो जाती है और दूसरा ये कि ये विजन को भी ब्लॉक कर रही होती है। इसलिए इन फूली आंखों से छुटकारा पाने के लिए ब्लेफेरोप्लास्टी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं कि ब्लेफेरोप्लास्टी का प्रोसीज्योर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले सर्जन पेशेंट की आई को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन कर देता है ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। अगर पेशेंट की दोनों आईलिड्स के नीचे फैट मौजूद हो तो सर्जन पहले ऊपर वाली आईलिड को सेपरेटली रिमूव करता है और फिर नीचे वाली आईलिड से सर्जन सबसे पहले अपर आईलिड की स्किन का एक पोर्शन कट करके अलग कर देता है। इसके बाद सर्जन धीरे धीरे फैट के डिपॉजिट को कट करके रिमूव करते जाता है। पेशेंट के नीड के मुताबिक फैट को रिमूव करने के बाद सर्जन स्किन को पतले स्टिचेस लगाकर जोड़ देता है। याद रहे कि अपर आईलिड के नीचे से फैट को रिमूव करने के लिए सर्जन आईलिड की ऊपरी स्किन को इस तरीके से कट लगाता है कि कट हील होने के बाद आंखों के फोल्ड में छुपकर नजर ना आए। इसके साथ अगर लोअर आईलिड के नीचे भी फैट मौजूद हो तो उसे लोअर आईलिड की अंदर वाली साइड से कट लगाकर रिमूव कर दिया जाता है ताकि हील होने के बाद नीचे कोई दाग ना रह जाए। ब्लेफेरोप्लास्टी का ये प्रोसेस तकरीबन 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है और इसकी रिकवरी भी फास्ट होती है और इस सर्जरी के बाद काफी हद तक मरीज के लुक और विजन में बेहतरीन आती है।